गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। सुबह के बजना भी हमारे पौने एक, दोपहर के पौने एक, जुम्मे की नमाज पढ़ने का टाइम है। मैं 11:15 बजे सोकर उठ गया था। पहले मैं फ्रेश वगैरह हुआ, अच्छे से प्रॉपरली रेडी हुआ, और मेरी बनकर रेडी हो गई चाय। मुस्कान ने चाय मुझे मेरे लिए पहले बना दी है। अब वो फ्रेश हो रही है, जुम्मे की नमाज वगैरह पढ़ेंगे। जुम्मे की नमाज मैं नीचे नहीं पढ़ने वाला, मैं पढ़ूंगा यहाँ पर। रीजन ये है कि अगर नीचे नमाज पढ़ते हैं, नीचे सारी कीचड़ हो रही है। मस्जिद में अगर आपको जगह पानी है तो आपको जाना होगा 12 बजे, तो 12 बजे तो एटलीस्ट हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। इसलिए नमाज मैं पढ़ूंगा यहीं गैलरी के आसपास, क्योंकि आवाज़ यहाँ पर क्लियरली आती है। अभी भी कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में आपको आ रही होगी आवाज़ बयान की। तो पहले नमाज वगैरह पढ़ते हैं, पहले चाय पीते हैं, फिर उसके बाद नमाज पढ़ते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या करना है आज। ये हमारी सुबह की चाय की रंगत, चाय की चुस्की के साथ। चाय मिल जाए सुबह सबसे पहले मुझे बस। तो नमाज वगैरह पढ़कर हो गए फारिग, टाइम हो गया है, यानी कि 2 बजे आप मान सकते हैं, 5 मिनट बाकी रहेगा। मैं जा रहा हूँ थोड़ा ब्रेकफास्ट का सामान लाने के लिए, साथ ही साथ में खाना बनाने का भी सामान लेके आने के लिए। खाना क्या बनेगा थोड़ी देर में बताएंगे, अभी पहले मैं सामान ले आता हूँ। टाइम हो गया है दिन के 2:45 बजे का, और अब हमारा ब्रेकफास्ट हो रहा है बहुत अच्छे टाइम पर। चलो, सिंपल अंडा है वैसे, ज़्यादा इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं है, सिंपल नॉर्मली बना हुआ ब्रेड के साथ इसको हम खाने वाले हैं। पहले करेंगे ब्रेकफास्ट, फिर थोड़ा बहुत काम, फिर उसके बाद फिर लंच करना है, क्योंकि भूख लग रही है यार। मैं अपने फोकस लाइट में एक बड़ा इंप्रूवमेंट करना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि अभी इस वाली लाइट को प्रॉपरली उतार के इसको थोड़ा सा नीचे करके यहाँ साइड में लगा देंगे, यहाँ साइड में खड़ा कर देंगे। बाकी ये जो ट्राईपॉड रखा है और ये लाइट, इस लाइट को उठाकर इस वाले ट्राईपॉड पर रख के इसको लगा देंगे, वहाँ फोकस हो जाएगा हमारा डबल। तो पहले करते हैं। तो देखो, कुछ इस तरह से मैंने इंप्रूवमेंट किया है। ये वाली लाइट वहाँ से हटा के यहाँ लगा दिए, बाकी ये दूसरी लाइट यहाँ पर आ गई। अब ये हो गया अपना डबल फोकस। फ्रेमिंग काफ़ी अच्छे दिखाता हूँ एक बार, फ्रेमिंग का इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आ रहा होगा। चेहरा बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, नहीं बैकग्राउंड भी अच्छी तरह से फोकस हो रहा है, तो सब बढ़िया है। तो मैंने ऐसे कोई फैसला लिया। और अब दूसरा ये है कि यहाँ की सारी सफाई कर लेते हैं जितनी भी है, बिकॉज यहाँ पर सारी धूल मिट्टी हो रही ना टेबल के ऊपर, सब साफ कर लेते हैं। साथ ही साथ में इसके ऊपर भी झाड़ू मार देते हैं फर्श पे, और बाहर गैलरी की भी सफाई करनी है। सडनली इतनी तेज़ आई है बारिश, बहुत तेज़ हो रही है, बहुत तेज़। नहाने का मन कर रहा है, मगर यार अब नहाना पॉसिबल नहीं होगा, देखो कितनी तेज़ है। टेबल की मैंने कर दी है पूरी सफाई, नीचे की सफाई होगी रात को, मगर फिलहाल मैंने अभी टेबल चमका दिए बहुत अच्छे से। सामान सारा इस तरह से सेट हो गया। बन गया तुम्हारा खाना? हाँ। बन जाएगा। अभी रोटी बना रही हो, और इसमें क्या है बॉक्स में? ओ तो अभी तुमने बनाया नहीं सालन, आधा घंटा हो गया, आधे घंटे से काम कर रही हो तुम। कब तक रेडी जाएगा? 4 बज रहे हैं, 1 घंटे में? 1 घंटा 5 बजे तक? व्हाट, 6 बजे? नहीं, आज भूख लग रही है यार बहुत, लिटरली। चलो जल्दी बनाओ फटाफट, मैं इतने काम निपटाता हूँ। शाम के 5 बज रहे हैं, मुझे भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा। अब तैयार हुआ है सक्सेसफुली, और क्या तैयार हुआ देखते हैं। तो खाना बनाया हमारा कुछ ये, आलू की कतली नॉर्मली, दही नमक रोटी सब है। मुझे लग रही है भूख, तो भाई शुरुआत करते हैं, क्योंकि अब बस की नहीं है मेरे ज़्यादा टाइम तक इंतज़ार करते हैं, वो भी खाना आगे रखा हुआ। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम हो रहा है शाम को 6 बजे का, और मैं निकलने के लिए तैयार हो गया हूँ। मुझे जाना है पुरानी दिल्ली। रीज़न ये है कि सदर मार्केट से 1-2 सामान लाने, 8 बजे से पहले मुझे एटलीस्ट अर्थिंग मार रही फ्रिज, देख लूँगा मैं बाद में, फिलहाल रहने दो। तो 8 बजे पहले मेरे को सामान लेना है सदर मार्केट से, और 1-2 काम भी है वो भी निपट जाएंगे साथ ही साथ में। कल घर पर थोड़ा बहुत मेरा सामान ओढ़ रही था मेरे पुराने वाले घर पे, वहाँ से वो सामान लेकर सब यहाँ आना है, बिकॉज कबूतरों का दाना वगैरह मैंने सब इकट्ठा लिया था ना राशन में, तो वो लेके आना है बस, और साथ में सदर मार्केट से काम है। तो अब निकलते हैं। पहुँच तो गया हूँ मैं पुरानी दिल्ली, मैं ट्रांजेक्शन करने में थोड़ा सा बिजी हूँ। सूसू आ रहा यार बहुत ज़बरदस्त वाला, रात को भी ऐसा ही हुआ था ATM में मेरे साथ में। तो पहले एक ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उसके बाद से सामान लाने निकलते हैं। अभी 7:04 बाकी हैं, और मार्केट ना बंद हो जाए भाई यार, बस ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ा। मार्केट अगर बंद हो गया लिटरली मेरा आना बेकार हो जाएगा, तो मैं जल्द से जल्द कोशिश करता हूँ, मगर यहाँ का जाम मार देता है यार बस। आ गया, जितने भी सारे काम थे वो ऑलमोस्ट मेरे कम्प्लीट हो चुके हैं। मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी, हल्की हल्की स्पीड पर चला रहा है भाई। मौसम इतना ठंडा हो रहा है लिटरली,
जिसकी कोई भी लिमिट नहीं। मेरे को ठंड लग रही है हल्की हल्की, कब तक भी लग रही है। मैं सोच रहा हूँ कि जाऊँगा कैसे, बिकॉज 15 किलोमीटर का सफ़र है अभी मेरा, आई डोंट नो, मगर फिर भी हिम्मत करेंगे, उम्मीद करेंगे, जाएंगे 15-20 की स्पीड में। पता नहीं मेरी आवाज़ आ भी रही होगी, नहीं आ रही होगी माइक में। चलते हैं अब, रेड लाइट है सामने। ओ हो, गड्ढे बहुत हैं यार। बात की जाए अगर रास्ते के सफ़र की तो काफ़ी सुहाना, ठंडक, ठंडा माहौल है भाई। ओहो ठंड लग रही है मुझे यार, चारों तरफ पेड़ पौधे, बड़ा सुकून वाला, प्यारा वाला ऑक्सीजन मिल रहा है यहाँ पर यार। आगे फिर रेड लाइट है बहुत है यार। चलो भाई दरे, जितने ज़्यादा रोड पर कट उतने रेड लाइट है, क्या कर सकते हैं भाई। ओ ग्रीन लाइट, भगाओ गाड़ी। नहीं भाई, थोड़ा स्लो चलाते हैं, स्लो। अरे 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 रेड हो गई, रोकनी पड़ जाएगी गाड़ी। लोग गाड़ियां भगा रहे हैं बहुत तेज, मैंने गाड़ी को फिलहाल भाई स्टॉप कर ली क्योंकि रेड लाइट है, रुकना ही बेहतर है। जान प्यारी है, 1-2 मिनट कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, रुक जाएंगे, मगर ऐसे रेड लाइट नहीं तोड़ेंगे यार, और तोड़नी नहीं चाहिए रेड लाइट। देखो लोग निकलने के लिए तैयार हैं, मगर देखो सामने से गाड़ियां जा रही हैं, मगर लोग फिर भी तैयार हैं। देखो जैसे ये बाइक वाला है, ये आहिस्ता आहिस्ता करके आगे बढ़ाएगा और सीधा जैसे इसको मौका मिलेगा निकाल देगा। यार 1 मिनट की सेफ्टी है, रख लो भाई, रेड लाइट ना तोड़ो यार। सामने देखो विदाउट हेलमेट और कितनी आगे जाके रुक गए हैं, रेड लाइट हो रखी है और बिल्कुल बीच में लगा दी गाड़ी। बाय चांस कोई टेम्पो वाला उड़ा दे, क्या भरोसा यार। देखो पीछे वाला भी निकलने के लिए तैयार है और जैसे मौका मिलेगा ये वैसे ही निकलेंगे। रेड लाइट क्रॉस करके अब आ गए हैं लंबे अरसे के बाद। गाड़ी में नॉर्मली चला रहा हूँ यार, 30-35 की स्पीड पर नॉर्मली चल रही है, रोड बहुत प्यारा है, गाड़ी बड़ी स्मूथ चल रही है, आराम आराम से चलते रहो भाई। Fight for my attention, for your attention, you must prove it. Cause if you can find it, you don't can find it, you let it move. Guys, मैं आ गया हूँ रिटर्न अपने घर में, और एटलीस्ट घर में आते ही, वैसे 1:15 का टाइम हो रहा है, और घर में आते ये हुआ, मैंने कूलर चलाया, सडनली कूलर बंद हो गया, पता नहीं है, चेक करते हैं। ये ड्रिल मशीन मुझे लेके आनी पड़ी है, बिकॉज 1-2 काम करने हैं इसके साथ ही साथ में, कबूतर का दाना भी आके रख गया है इसमें यार, पता नहीं कैसे चींटियाँ लग गई, क्योंकि ये कल वहाँ लेकर मैंने घर पर रख दिया था, मगर पहले इसको चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है भाई, क्या समस्या है इसमें, शायद इसकी वायर ख़राब हो गई है, मे बी कूलर की हो गई थी डेथ, मैंने ठीक कर दिया है फिलहाल, इसको चला के देखते हैं अभी से। सक्सेसफुली चल गया है कूलर, मैंने क्या अभी ठीक कर दो यार, कल पे क्या कहानी छोड़नी। फिलहाल गाइस टाइम हो गया रात को 1:45 बजे का, तो इस वाले ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। आई होप कि आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच वॉचिंग। और देखो हमारा जो लेके आए थे ना दाना, उसमें चींटियाँ लग गई थी, मैंने क्या जुगाव करा, उसमें लगी हुई थी चींटियाँ, चारों तरफ मैंने बाउंड्री आउटलाइन लगा दी है लक्ष्मण रेखा की, अब चींटी अगर बाहर भी निकलेगी तो मर जाएगी, ये बेस्ट है।